वो भी एक अतिशयोक्ति थी। एनडीए के लिए अच्छी खबरें आनी शुरू हुई है, लग रहा है कि जैसे संजीव जी कह रहे थे कि अभी ईवीएम जो है वो उसकी गिनती स्लो हो रही है, 292 पर ये टैली जो है वो बढ़ गई है। हालांकि इंडिया गठबंधन की टैली भी उसी रफ्तार से बढ़ रही है, 220 पर वो अभी ट्रेंड में आगे चल रहे हैं। एक स्टेट जो पूरी तरीके से बीजेपी के खिलाफ जा रहा है, बंगाल 29 और 5, 29 सीटों पर ममता बनर्जी लीड कर रही है, सिर्फ 5 पर बीजेपी इस वक्त। बंगाल में बीजेपी की हमेशा नारे और प्रोपेगेंडा, पिछली बार विधानसभा में 200 पार का था, तो मतलब हाँ नहीं, और संजीव जी आपसे बिल्कुल सहमत है कि बंगाल में क्योंकि मुस्लिम वोट इतना है 30% के करीब कि वहां पे टीएमसी को जब तक दूसरी तरफ पूरा कंसोलिडेशन नहीं हो इतना आसान नहीं होता। इस बार उन्होंने बहुत देखिए पश्चिम बंगाल में 17% से सर एक बार सारी राज्यों की स्थिति बता दें। पश्चिम बंगाल की 42 सीटों पर तृणमूल इस वक्त 29 सीटों पर लीड करती हुई दिखाई दे रही है, बीजेपी 5 सीटों पर लीड करती दिखाई दे रही है, 1 सीट कांग्रेस के पास लेफ्ट 0 पर दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल के बाद एक और राज्य की बात कर ले, उत्तर प्रदेश की लगातार